2019 में जब मैंने अपना पहला कैमरा लिया था सोनी A6400, तब मेरे पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस थे। कैनन में ऑप्शंस थे, ल्यूमिएक्स में ऑप्शंस थे, फ्यूजी फिल्म में ऑप्शंस थे, एंड मैं निकॉन को वैसे कंसिडर नहीं करता अपनी लिस्ट में, बट स्टिल मैंने नाम ले लिया। सो 3 years लेटर आई वांट टू गिव यू गाइस माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ माय कैमरा सोनी A6400। अगर आप प्लान कर रहे हैं 2022 में ये कैमरा लेने के लिए, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा 3 साल यूज करने के बाद, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई स्टिल लव अबाउट दिस कैमरा। सो मेक श्योर यू गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो बॉयज। पीस आउट। Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down, down the road. Watch me as I go, watch me as I go. बिफोर गेटिंग इन टू द मेन कॉन्टेंट, आई जस्ट वॉन्ट टू से क्विकली कि भाई इस कैमरे को जो है मैंने अपने हर तरीके के गिग्स में यूज करा है, भले ही वो म्यूजिक, फोटोग्राफी हो, आफ्टर मूवीज हो, इवेंट की वीडियोस बनानी हो। ये कैमरा वैसे वेडिंग में भी यूज हुआ है, मैं खुद तो वेडिंग करता नहीं, एंड ट्रैवल हो और या फिर इंटरव्यूज हो, ये मैंने कैमरा हर जगह यूज करा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं उन चीजों से जो कि मुझे इस कैमरा में अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, एंड आई थिंक कि ये सभी मतलब यूट्यूबर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए एंड फोटोग्राफर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर वो अपना पहला कैमरा परचेज कर रहे हैं तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज द ऑटो फोकस। ऑटो फोकस आई फील कि कैमरे के ना एक तरह का एक बहुत ही ज्यादा मेन फीचर्स होता है, एंड स्पेशली फॉर दोस पीपल हु आर जस्ट वेरी न्यू टू द कैमरा। राइट, फोन में हम लोग फोकस कर लेते हैं, बट कैमरा में फोकस करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो व्हेन इट कम्स टू द वीडियो थिंग, एंड आई लव दिस कैमरा फॉर द ऑटो फोकस, नो मैटर इफ आई मेक शूटिंग एन एस्टैब्लिशिंग शॉट, अगर मैं कोई भी बी-रोल शूट कर रहा हूं या फिर भी मैं इस तरह का टॉकिंग हेड वीडियो बना रहा हूं, तो ऑटो फोकस इस कैमरे का बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। एंड नो मैटर अगर आप सब्जेक्ट हो भी या ना हो, ये हर चीज को इजिली ट्रैक कर लेता है। स्पेशली मुझे जो इस कैमरे की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है ना चीज, एक वो है कि वो लो लाइट में जो है फोकस बहुत ही आसानी से कर लेता है, एंड स्पेशली इफ यू आर इन अ फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट जहाँ पे चीजें चल रही हो, लाइक स्पेशली इन द क्राउड, इफ आई वांट टू फोकस ऑन माय आर्टिस्ट, तो बहुत ही ज्यादा इजिली फोकस कर लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग विच इज द 4K क्वालिटी। एज यू ऑलरेडी नो इट इज 2022, एंड आई फील कि बाई 4K में ना लोग अब टीवी आ रहे हैं, 4K में कॉन्टेंट बना रहे हैं, तो आई थिंक कि 4K में आपका कैमरा शूट करना होना चाहिए। तो इस कैमरे में 4K भी है, विच इज इन 24fps एंड 30fps, एंड आई थिंक यार 4K में शूट करने के ना 2-3 एडवांटेजेस जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जस्ट लाइक कि हाइडिंग योर कट्स, एज यू ऑलरेडी नो कि आप जो है ना कट को हाइड करने के लिए आप स्केल इन कर देते हैं, तो इससे एक फील आ जाती है कि आप दो कैमरा यूज तो नहीं कर रहे। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड थिंग इज द क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ द 4K इमेज दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैमरा इज वेरी गुड। सोनी तो बोलता है इसमें 6 या 7K का वो डाउन स्केल करता है, आई स्टिल डोंट नो कि उसे कैसे टेस्ट करता है, बट आई स्ट्रांगली फील कि यार इसका 4K का पिक्चर क्वालिटी ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है एंड बहुत ही ज्यादा शार्प है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड थिंग व्हिच इज द स्लो मोशन। एज यू ऑलरेडी नो कि आजकल ना हर कैमरे में आपको स्लो मोशन के ऑप्शंस दिख रहे हैं, एंड इसका 120F ऑप्शन आप डिपेंड करता है दो चीजों पे। अगर आप SNQ मोड पे यूज कर रहे हो तो नो डाउट क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि आपको वो रियल टाइम में स्लो मोशन दिखाएगा, उसके अंदर ऑडियो नहीं आता है, बस क्योंकि वो रियल टाइम में स्लो मोशन शूट कर रहा है। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आप फ्रेम रेट में जाके 120fps जब आप शूट करोगे, तो आप हाईएस्ट क्वालिटी बिट रेट वाला ऑप्शन जब चूज करोगे, तो आपको क्वालिटी में मिल जाती है, स्लो मोशन में मिल जाता है, एंड प्लस आपको ऑडियो भी मिल जाता है। तो आपको ये तीनों फीचर्स जो है उसके अंदर मिल जाते हैं। सो यस, आई थिंक कि स्लो मोशन एक ऐसा फीचर है जो कि आई थिंक सभी कैमरा में आता है वैसे तो, जो इससे कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी और भी बढ़ जाती है एंड आप इससे और भी ज्यादा प्ले कर सकते हैं इन एडिटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग व्हिच इज द डायनामिक रेंज इटसेल्फ। वैसे तो ये कैमरा दिखता बहुत छोटा है, बट मैं अभी भी पता नहीं मुझे कैसे लगता है कि यार सोनी ने जो है ना इस कैमरे में इतनी सारी चीजें भर रखी है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायनामिक रेंज, एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द फोटोग्राफी ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर कैप्चरिंग अ शॉट इन द रॉ फॉर्मेट ना, ये आपको इतनी क्वालिटी देता है लाइक शेडोज में से और हाईलाइट में से ना, बहुत ही ज्यादा इजिली जो है आप अपना रिकवर कर सकते हैं सारी डिटेल्स। रॉ में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा आउटपुट मिल जाता है, नो डाउट। जेपेग में भी आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाता है, आई वुड स्टिल प्रेफर कि रॉ में आप शूट करेंगे तो आपको ज्यादा डायनामिक रेंज मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग व्हिच इज द कॉम्पैक्ट बॉडी। यार वैसे ही कैमरा ना छोटा बहुत है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अगर आप इसे हाथ में पकड़ेंगे ना और कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो ये इतना भारी नहीं लगेगा, जैसे कि पहले DSLRs आते थे ना, लाइक 80D स्पेशली जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट में मिलता है, वो
कैमरा बहुत ही ज्यादा भारी है, स्पेशली वेन यू पुट योर कैमरा ऑन द गिम्बल ना, इट बिकम्स टू हेवी। स्पेशली अगर मैं वैसे तो इस कैमरे को छोड़ के अगर आप सोनी A7 III की बात करूँ तो वो कैमरा भी हेवी हो जाता है गिम्बल पे, नो डाउट। बट इस कैमरे को लगाओगे तो आपको इतना ज्यादा हेवी नहीं होगा एंड आप इसे जो है कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इसका डिजाइन बहुत छोटा सा, तो ये मेरे बैकपैक में भी इजिली आ जाता है। सो यस, दीज आर द 5 थिंग्स दैट आई स्टिल लव अबाउट दिस कैमरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 थिंग दैट आई रियली डोंट लाइक अबाउट दिस कैमरा इन 2022। एंड द फर्स्ट थिंग इज द 8-bit फुटेज। नो डाउट इफ यू आर अ फिल्म मेकर एंड जब आप डीपली उन स्पेक्स में जाते हैं ना, तो आपको 8-bit वाला जो फॉर्मेट है ना, वो आपको समझ में आने लगता है, क्योंकि आपके अंदर जो कलर वेरायटी है ना, वो आपको कम मिलने लग जाती है, क्योंकि इसमें 8-bit है, तो इसमें आपको कलर की रेंज कम देखने को मिल जाती है। तो स्पेशली वेन यू डू अ कलर ग्रेडिंग, जब आप सिनेमैटिक लुक देते हो ना, तो वो थोड़ा आपको जो है इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं मिल पाती, कम मिल पाती है। नो डाउट इट इज स्टिल यूजेबल, बट आई स्टिल फील कि अगर 8-bit ना हो गया, 10-bit होता तो वैसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बट ठीक है। 8-bit वाला फीचर जो है मुझे थोड़ा सा गंदा लगता है इसके अंदर। नाउ द सेकंड थिंग इज द रोलिंग शटर। कि रोलिंग शटर जब आप कैमरे को पैन वैन करते हो तो आपको रोलिंग शटर देखने को मिलता है, वो इस कैमरे में भर भर के है भाई, मतलब वो आपको इजिली देखने को मिल जाता है। नो डाउट इसमें जो है आपको, अगर आप यूट्यूबर हो तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इफ यू आर अ फिल्म मेकर और जब आप पैन करते हो तब वो आपको जरूर देखने को मिल जाता है। नाउ द थर्ड थिंग विच इज द आई बेस। एज यू ऑलरेडी नो कि इस कैमरे के अंदर आई बेस नहीं है, विच इज द इन बॉडी इमेज स्टेबिलाईजेशन। सो स्पेशली वेन यू गोइंग टू यूज द 50mm लेंस ना, तब वो आपको शेक इजिली दिखेगा। एंड अगर आप इस पर कोई भी लेंस यूज कर लो, स्टेबिलाईज लेंस, तब भी आपको शेक देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी बॉडी में इन बॉडी स्टेबिलाईजेशन नहीं है। तो यस, ये एक ऐसी चीज है जो कि आई थिंक काश अगर इस कैमरे में होती ना, तो आई थिंक इस बजट रेंज में ना इससे बढ़िया कैमरा आपको नहीं मिल सकता। बस ये है कि आईबेस अगर होता तो ज्यादा अच्छा था, बट नहीं है, तो और वो मुझे ऑलरेडी पता था कि इस कैमरे में नहीं आने वाला। सो आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज माई गिम्बल एंड माई ट्राइपॉड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th थिंग विच इज द डिजिटल फॉर्मेट। कि यार इसके अंदर ना APS-C सेंसर साइज है, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, नहीं उससे स्मॉलेस्ट तो माइक्रो फोर थर्ड होता है, बट APS-C जो है फुल फ्रेम और माइक्रो थर्ड के बीच में स्टैंड करता है। तो APS-C का मतलब यार ये है ना कि आपको लो लाइट इसमें कम देखने को मिल जाती है, बट नो डाउट अच्छी मिल जाती है। बट वेन यू स्टार्ट यूजिंग द बिगर सेंसर ना, लाइक फुल फ्रेम कैमराज, देन यू एक्चुअली स्टार्ट टू नोटिसिंग ऑल दोज मेन फीचर्स। लाइक यार आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है फुल फ्रेम कैमरा में, लो लाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है, एंड ऑफकोर्स में थोड़ा लेस डिजिटल लुक होता है। ये APS-C सेंसर साइज जो होता है ना, इसमें आपको थोड़ा सा जो है डिजिटल लुक देखने को मिल जाता है। अब बात वहीं पे आ जाके रुकती है कि 2022 में क्या मैं आपको ये कैमरा रिकमेंड करूंगा। सो माय आंसर वुड बी डेफिनेटली यस इफ यू गॉट द बजट। हाँ भाई, इस मेरा 80 to 90,000 का बजट है और मुझे ये कैमरा लेना है, देन आई वुड डेफिनेटली से यस। व्हेन इट कम्स टू द फिल्म मेकर्स, हां 100% यस। फॉर द फोटोग्राफर्स 200% यस, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटो फोकस एंड ऑफ कोर्स द डायनामिक रेंज दैट दिस कैमरा ऑफर्स। फॉर द यूट्यूबर्स अगेन, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी यूट्यूब जर्नी में इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आपको लो बजट पे जाना तो GoPro एंड ऑल। बट अगर आपको एक ही कैमरा चाहिए जो आपके 3 साल यूट्यूब जर्नी में आपके साथ रहे, देन दिस इज द राइट कैमरा फॉर यू। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। पीस आउट।